रॉबर्ट वाड्रा का उन्होंने चर्चा भी की, एक दो लोगों की और भी चर्चा की कि उनको परेशान कर रही है। मैं सोचता हूं कि सीमा पर जिस प्रकार से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, पैसे का घालमेल हुआ, उसके जांच चल रही है और वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जा रही है, इसलिए उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। जिनकी मर्जी के कारण वो आज जहां हैं, ऐसे व्यक्ति पर जब सख्त कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ हो रही है। भाई साहब, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ना कैंपेन कमेटी ना कुछ और कमेटी, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी प्रदेश में इस काम में पीछे रह गई कांग्रेस की तुलना में? नहीं, ऐसा नहीं है। कमेटी की हमारी चर्चा 23 तारीख को भी हुई, हमारी चर्चा 26 तारीख को भी हुई और उसके बाद में जयपुर में भी हुई। तो हमारी चर्चा नहीं हो रही ऐसा नहीं है। कुछ विषय है जो सार्वजनिक होते हैं, कुछ विषय है जो पार्टी को संगठनात्मक विषय जो सामान्य रूप से चर्चा में बाहर कम आते हैं, लेकिन पार्टी बहुत संवेदनशील है इन चुनावों को लेकर। राजस्थान विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट के 2 दिन बाद 13 तारीख को हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हो गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के बारे में सारी व्यूह रचना तय हो गई। उसके अनुसार मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यक्रम तय हो गए, संपन्न भी हो गए और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम भी तय हुए, वो भी 2 तारीख को संपन्न हो गए। वो भाजपा मेरा परिवार हो, बाइक रैली हो, मोदी जी के 28 तारीख की जरा जनसंवाद का कार्यक्रम हो, उनके 24 तारीख की मन की बात का सवाल हो, सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो हम पीछे ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ संगठनात्मक दृष्टि से आज हमारे मुकाबले में कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है। संगठन का ढांचा हमारा बहुत मजबूत ढांचा है और हमारी बैठकें भी बराबर हो रही हैं। हम इस 5 तारीख तक यानी 2 दिन तक और सभी मंडल जो हमारे मंडल हैं 1034 मंडल, इनको सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी नीचे तक संगठन मजबूत हो, ये हमारा प्रयास है। तो हम किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं। जो कहा है वो मुझे आश्चर्यजनक लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो गांधी परिवार का जो ऋण है उस ऋण को चुकाने के लिए वो अपनी मर्यादाओं को भी भूल गए। प्रधानमंत्री पर ऐसी मर्यादाहीन टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और प्रजातंत्र में पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, लेकिन फिर भी स्तर मेंटेन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना स्तर मेंटेन करने में चूक गए, लगता है कि किसी को खुश करने में वो लगे हैं। परिवार में रेटिंग किसकी ज्यादा हो, इसके लिए एक नेता सुबह पत्रकार वार्ता करते हैं और दूसरे उसको रिपोर्टल के लिए अपने ही नेता का से आगे बढ़ने के लिए गांधी परिवार की नजरों में सायंकाल दूसरे नेता करते हैं। यानी वास्तव में लड़ाई की होड़ की ये पराकाष्ठा है। वो ठीक कर रहे हैं, राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात बनाने का प्रयास
मुख्यमंत्री जी जरूर कर रहे। और रॉबर्ट वाड्रा भी, और अभी सोनिया जी और राहुल जी जमानत पर हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। देश के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम सरकार का है, वो हम कर रहे हैं। जनता की भावनाएं के अनुरूप सरकार ने काम करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी पूछा था कि आपकी जो इतने लोगों की मौत हुई है एयर स्ट्राइक में, इतने लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़ा अमित शाह जी के पास कहाँ से आया? क्योंकि आपके सेना के अध्यक्ष है, वो ये आंकड़ा नहीं बता पा रहे, तो अमित शाह जी को ये आंकड़ा किसने बताया? ये सवाल अशोक गहलोत ने कहा है आज मुख्यमंत्री ने। सर देश में चर्चा है, इसलिए वो भी देश में रहते हैं, इसलिए उनके पास में भी चर्चा है।